ब्रेक्स के बिना यू मे हिट अ वॉल और अ ट्री और समथिंग यू शुडंट। जितने भी कॉम्पोनेंट्स ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं होल्ड्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इन सारे ब्रेकिंग कॉम्पोनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक रूटर। बेसिकली एक मेटल की प्लेट जो कि आपकी कार के एक्सल से अटैच रहती है। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है देन ब्रेक पैड्स प्रेस दिस ब्रेक रूटर विच क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड इवेंचुअली आपका व्हीकल रुक जाता है। Hi guys, my name is Karan. Welcome to another episode of Go Mechanic. आज हम जानेंगे मोर अबाउट ब्रेक रोटर्स और उन्हें आपको कब रिप्लेस करना चाहिए। हमने ब्रेकिंग के टाइम फ्रिक्शन की बात करी थी, इसी फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल का डिस्क रोटर घिसने लगता है। क्या कभी ब्रेक लगाते समय आपने कोई स्क्वीलिंग या ग्राइंडिंग नॉइज सुनी है, या फिर आपका ब्रेक पेडल पल्सेट कर रहा हो? ऐसा भी हो सकता है कि स्टेयरिंग व्हील वाइब्रेट कर रहा हो। क्या आपने कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग की है जब व्हीकल के डिस्क रोटर ठंडे हों? और डू यू हैव अ हैबिट ऑफ रेस्टिंग योर फुट ऑन द ब्रेक पेडल? आपको नए रोटर की जरूरत तब भी पड़ सकती है जब व्हीकल के ऑडोमीटर पर हजारों किलोमीटर क्लॉक हो चुके हों। किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट की तरह डिस्क रोटर्स की भी एक लाइफ होती है। अ टिपिकल डिस्क रोटर कैन लास्ट बिटवीन 50,000 to 80,000 किलोमीटर्स, बट ये आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि ये कब तक चलेंगे। काफी समय तक व्हीकल चलने के बाद द रोटर बिकम वॉर्प्ड। सरल भाषा में बोलूं तो उसमें ग्रूव्स बन जाते हैं और वो फ्लैट नहीं रहता फॉर अ इवन ब्रेकिंग सरफेस। अगर रोटर घिस चुका है तो मेक श्योर यू चेक द ब्रेक पैड्स। अगर आप एक खराब रोटर पे न्यू ब्रेक पैड्स लगाएंगे देन दे विल बी ऑफ नो यूज। एक नया डिस्क रोटर लेना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। कुछ केसेस में यू कैन डू वन थिंग जिसमें रोटर को ज्यादा डैमेज ना हुआ हो। क्या आपने कभी ब्रेक डिस्क स्किमिंग या रीसर्फेसिंग के बारे में सुना है? इस प्रोसेस में ब्रेक डिस्क की सरफेस को रिन्यू किया जाता है विच कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर बने आई बटन पे क्लिक कीजिए। ज्यादातर केसेस में ब्रेक रोटर इतना डैमेज हो जाता है कि इट कैन नॉट डिसिपेट द हीट व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसे में ब्रेक फ्लूइड बॉयल होने लगता है एंड इट लीड्स टू ब्रेक फेड। सीधी सरल भाषा में कहूं तो ब्रेकिंग सिस्टम किसी काम का नहीं रहता। ऐसा ही कुछ केस है 2018 होंडा अमेज के साथ, जिसके ब्रेक रोटर्स को इंस्पेक्ट करके हमें पता चला दे आर कंप्लीटली गॉन और उन्हें रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। आइए देखते हैं द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द ब्रेक रोटर्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो नो द कंप्लीट प्राइसिंग। तो हमने इस पुराने डिस्क रोटर को अपनी होंडा हमें इससे निकाल लिया है। विजुअली यू कैन सी इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, दिस इज नॉट स्मूथ। प्लस आई हैव दिस स्क्रू ड्राइवर एंड आई रन अक्रॉस दिस, तो ये भी स्मूथली नहीं जा रहा है। प्लस एंड में एक बहुत बड़ा वेयर लिप है जिससे कि कस्टमर ब्रेकिंग इश्यूज फेस कर रहा था, विच सेज कि हमें इस रोटर को रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी था। सो दीज आर आर ब्रांड न्यू रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रोटर्स, अ जेन्युइन होंडा OEM स्पेयर पार्ट्स। ध्यान रखिएगा जब भी आप डिस्क रोटर को रिप्लेस करें तो वो पेयर्स में रिप्लेस होंगे, यानी कि फ्रंट के दोनों और रेयर के दोनों। कभी भी एक इंडिविजुअल रोटर रिप्लेस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा जब भी आप न्यू ब्रेक रोटर्स को लगाएंगे तो वो आपको इंस्टेंटली एक बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं देंगे। द रीजन इज बेडिंग। बेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्क की सरफेस पे एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ ब्रेक मटेरियल लगना चाहिए टू हैव द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। सो यू शुड ड्राइव अराउंड 100 to 150 किलोमीटर्स फॉर द बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस विद न्यू ब्रेक रोटर्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब टू द गो मैकेनिक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। दिस इज योर बॉडी करण। सी यू नेक्स्ट टाइम। Goodbye and happy motoring.